हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं कि अपसेल से जो है आप कैसे जॉब ट्रांसफर का रिक्वेस्ट कर सकते हो। जॉब ट्रांसफर का मतलब ये है दोस्तों, आप अपना कपाला का जो है कैसे अपने कंपनी से चाहे अपने कपिल से रिक्वेस्ट कर सकते हो। और रिक्वेस्ट करने का फायदा ये है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में आपको काम करते हुए 5 साल 10 साल जितने भी टाइम हो गए, तो जो आपका बेनिफिट है ना, अगर आप जॉब ट्रांसफर करते हो तो आपका कंपनी को जो है आपका बेनिफिट में से 50% जो है देना पड़ेगा। अगर आप जो है जॉब ट्रांसफर का रिक्वेस्ट नहीं करते हो तो जो आपका बेनिफिट होता है उनमें से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप जॉब ट्रांसफर करवाते हो तो आप जो है अफसर से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे कि अगर आप कंपनी के ऊपर केस करोगे तो केस करने के दौरान जो है आपका 50% जो है बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी आपका बनता है उसमें से। तो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो है अपने मोबाइल फोन में चाहे कंप्यूटर में क्रोम ओपन करना है। ओपन होने के बाद जो है सर्च में आपको अफसर लिखना है। लिखने के बाद सर्च कर देना है और ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है लॉगिन, इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, तो जो आपने अपना अफसर का यूजर नेम पासवर्ड बनाया है यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है, तो वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर कर देना है। आपका अफसर अकाउंट ओपन हो जाता है, तो माई सर्विस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पासपोर्ट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वसूल, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्विस ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट पे के दोबारा से क्लिक करके ट्रांसफ़र सर्विस प्रॉब्लम से क्लिक कर देना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए जो है अपना जॉब ट्रांसफ़र कराता हूँ, इसीलिए मैं कपाला करा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है लिख देना है। अगर आपके पास कोई फाइल है तो ये फाइल जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कपिल के पास जो है आपका जो है रिक्वेस्ट जाएगा। अगर आपका कपिल आपका रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो 7 दिन के अंदर जो है आपका जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाता है तो दोबारा से आप जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है उसी तरीके से आकर आपको दोबारा से रिक्वेस्ट का जो है करना है। और जब आप दोबारा से रिक्वेस्ट करते हो तो आपका जो है जॉब ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि पहला बार जो है आपका कपिल का जो है हक बनता है। अगर वो नहीं करता है तो दोबारा से आप अपना जॉब ट्रांसफ़र करके रिक्वेस्ट करके कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी आसानी से जो है जॉब ट्रांसफ़र कर सकते हो।